तो वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगी? ये काफी बार मुझे कमेंट्स आए हैं कि ऐसी वीडियो बनाइए जिससे हमें पता लग जाए कि वैलेंसी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगी किसी एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहले इसमें भी आपने ट्रिक ही यूज करनी है। किस तरह से? सबसे पहले आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने सीखने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एक बड़ा ही सिंपल ट्रिक है। अगर एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक आ जाए तो आपने 2 माइनस करने हैं तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 3 से लेके 10 तक एटॉमिक नंबर में से आपने 2 माइनस कर देना है। बट अगर ज्यादा आ जाएगा, जैसे 11 से लेके 18 तक, तो आपने 10 माइनस करने हैं तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पहले तो ये वाला हमने सारा दिमाग में रखना है, उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा कि किस तरह से हम निकालेंगे। बट अगर 18 से ज्यादा सपोज करिए आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाए तो क्या करना है? हमें पता है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम चले अगर, तो सपोज 13 फैमिली, 14, 15, 16 ये हेलोजन्स और ये नोबल गैसेस, तो इसमें हम किस तरह से चलेंगे? तो देखिए, जैसे ये पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम ये 1 और 2, अब सपोज करिए ये हम कोई भी फैमिली लेंगे, यहां तक लेके चलते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? आप 2 माइनस करिए क्योंकि इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 7। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 10 माइनस करिए 7, तो अब 35 है इसका। तो ये ट्रिक में तो ये फॉल नहीं कर रहा, बट आपको फैमिली अगर इसकी याद है तो आप क्या करिए, जो डबल डिजिट वाली फैमिलीज है उनमें से 1 रिमूव कर दीजिए। तो ये देखिए, अगर हमने 1 रिमूव कर दिया तो सभी में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही आ जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी फैमिली लेके देख सकते हैं। जैसे ये 15 फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सभी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, ये डबल डिजिट वाली। बट जैसे ये सिंगल है, लिथियम और बायरेलियम जैसे, तो इनमें सिंगल ऑलरेडी ही सिंगल डिजिट वाली फैमिली है, तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2 है। तो इस तरह से पहले हमने अगर वैलेंसी का चार्ज देखना है तो पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का हमने ट्रिक देख लिया। अब आगे ये जो वैलेंसी है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनेगी, आपको सिर्फ ये 2 लाइंस याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या आपने याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट इसमें कि कभी भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो जो वैलेंसी आएगी वो एज इट इज रहेगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, एज इट इज पॉजिटिव में। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, आप देखिए लिथियम, अगर हम लिथियम का एटॉमिक नंबर देखें इट इज 3, तो इसमें से 2 माइनस करिए तो हमारे पास क्या आ गया, 1। इट मीन इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, और ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो ओवरऑल अगर आपने चार्ज के साथ एक्सप्लेन करनी है तो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखना तो जैसे सपोज सोडियम आ गया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला, अगर ट्रिक के साथ देखना है तो 11 - 10 1, तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या आ जाएगी, +1, क्योंकि इस कैटेगरी में फॉल कर रही है। कोई और भी लेके देख सकते हैं, मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम देख लिए, इसमें अगर हम 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो इट मीन इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी +3। तो इस कैटेगरी को आपने याद रखना है कि अगर 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो पॉजिटिव में वैलेंसी आएगी। तो अब नेगेटिव किस तरह से, अगर इससे ज्यादा आ जाए, सपोज करिए हमें इससे ज्यादा वैलेंसी आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा आ जाए, तो आपने क्या करना है, वैलेंसी तो नेगेटिव कंसीडर करनी है और 8 से माइनस करना है।
एट में से जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइनस कर देने, एट में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर लें। जैसे आप कोई एग्जांपल देखिए, हम अगर एग्जांपल लें फ्लोरीन की, नाइन नाइन तो इसमें आ गया सेवन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन है। एक तो ये तरीका हम लगा सकते हैं, अगर आपने कॉन्फिग्रेशन वाला लगाना वो भी देख लो, 1s2, 2s2, 2p5, तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन आ गए। तो अब एट में से सेवन माइनस करेंगे, अगर हम एट में से सेवन माइनस करें, एट माइनस सेवन ये वैलेंसी के लिए, अगर हम वैलेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करें क्या आएगा, एट माइनस सेवन तो कितना आ गया, वन। बट मैंने आपको बताया अगर एट में से माइनस करना पड़ जाए तो ये हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा, तो ये नेगेटिव वैलेंसी है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। अगर 1, 2, 3, 4 में फॉल करे तो पॉजिटिव है, एज इट इज वही नंबर आ जाएगा, बट अगर 4 से ज्यादा आ जाए तो 8 से माइनस करेंगे। अब आगे देखिए, ये हमें वैलेंसी के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना है। अब तो सल्फर में किस तरह से हमने निकालनी है, देखिए सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6। एक तो कॉन्फ़िगरेशन वाला मेथड है, दूसरा सीधा ही है जो मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का सिखाया, तो ये 6। तो अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें विद चार्ज, तो हमें पता है 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ गया 2। तो मैंने आपको बताया जब 8 यूज करना पड़ जाए तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने जो वैलेंसी के चार्जेस को देखना है। मैं कुछ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो आपने ये सॉल्व करने और मुझे सेंड करने। देखिए आप कार्बन कार्बन की आपने वैलेंसी बतानी है, उसके बाद सिलिकॉन की, देन क्लोरीन क्लोरीन की। तो इस तरह से आपने ये तीन क्वेश्चन हमें सेंड करने। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आपको आगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आगे निकालने, उसके बाद आपको नंबर्स ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालने सिखा दिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। देन आपको वैलेंसी प्रेडिक्ट करने आ गई है, मैंने एक वीडियो में लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद वैलेंसी कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो भी हमने सीख ली है। तो ये वाले आपने जो पॉइंट्स हैं ये याद रखने।